ओम वसुः पवित्रमसि शतधारम वसुः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदर्विपरापत सुपूर्ण पुनरापत। प्रणाम गुरु बृहस्पति। विक्री रक्त बीज तुम यहां? आचार्य बृहस्पति, देवताओं के हित में किए जा रहे इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। गुरुवर, आपका रक्षोग्न यज्ञ तो विफल हो गया। जब तक असुराधिपति महिषासुर इंद्रदेव को परास्त नहीं कर देते और उनका इंद्रलोक छीन नहीं लेते, तब तक हम आपको बंदी बनाकर पाताल लोक में रखेंगे। वीरो, गुरु बृहस्पति को बंदी बनाकर पाताल लोक ले चलो। नहीं। ऋषि, ऐसी क्या आपदान पड़ी जो आप इतने भयभीत एवं विचलित से हुए यहां आ रहे हैं? आपदा, घोर विपदा देवेंद्र, घोर विपदा। दानवराज महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ बवंडर की तरह उमड़ता हुआ
देव लोक पर चढ़ाई करने आ रहा है। वो महिषमुखी भैंस का बच्चा हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता देव ऋषि, सर टकरा कर लौट जाएगा। आप तो व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं मुनिवर, आपको हमारी भावी गुप्त नीति का ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण, क्या ज्ञान विदित नहीं है। नारद तीनों लोकों का भ्रमण करता है, कण कण की सूचना रखता है। मुनिवर, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि हमारे शुभ मंगल के लिए गुरुवर आचार्य बृहस्पति महाराज रक्षोघ्न मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं? क्या इसी बल पर आप शत्रु को निर्बल समझ रहे हैं? हाँ देव ऋषि। किस भ्रम में पड़े हो देवराज, वो बल तो यज्ञ की अग्नि में ही जलकर कभी का नष्ट हो चुका है। महिषासुर का मायावी सेना अधिनायक रक्तबीज बृहस्पति जी के यज्ञ को भ्रष्ट करके उन्हें अपने माया बल से बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया है। देवेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप देव ऋषि, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है देवेंद्र, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए। दानव दल दावानल की तरह धधकता अपनी प्रचंड माया शक्ति से घने मेघ मंडलों को चीरता हुआ देवलोक पर आक्रमण करने चढ़ा चला आ रहा है। देवेंद्र, सेनापति कार्तिकेय, सैन्य बल सुसज्जित करो। असुराधिपति महिषासुर की जय। 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 असुराधिपति महिषासुर की जय। 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 देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। महिषासुर की जय। महिषासुर की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। महिषासुर की जय। महिषासुर की जय। राज इंद्र, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैंने वर्षों तक एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत किए हैं, वो क्षण आज मेरे समक्ष उपस्थित है। कुकर्मी, आज तेरे क्रूर कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण कर मैं अपने समस्त ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा। आज गिन गिन कर तेरे कुकृत्यों का तुझे ऐसा दंड दूंगा जिसे युगों युगों तक समस्त सृष्टि याद रखेगी। अबे भैंस के बच्चे, तेरी बुद्धि में तो पशुता भरी पड़ी है, इसलिए तू अपनी मृत्यु के साथ यहां चलाया है।
महर्षि समस्त दानों के साथ काल का ग्रास बनकर अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा तो तुम अब मुझ पर गदा प्रहार करेगा। चल चला अपनी गदा, देखता हूं तुझमें और तेरी गदा में कितनी शक्ति है। चल कर प्रहार मुझ पर। और बलपूर्वक दुष्ट राज बलपूर्वक और शक्ति लगा, और शक्ति लगा। बस इतनी ही शक्ति है तुझमें और तेरी गदा में दुष्ट राजेंद्र। क्या हो गया तेरे सामर्थ्य को? कहां गई तेरी अलौकिक दैवी शक्ति? दुष्ट राज इंद्र, क्या तुझे ज्ञात नहीं मैंने कठोर तप कर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात देव धनुज मनुज नाग यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण नहीं हो सकता। अरे ये तो क्या, तेरा हितैषी वो विष्णु स्वयं सदाशिव भगवान शंकर भी मेरे प्राण हरण नहीं कर सकते। मूर्ख इंद्र, स्वयं मेरे वरदाता ब्रह्मा जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.